दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां एक रक्षक ही भक्षक बन गया है। हम आपको पूरी खबर आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग सुनिए, जिसके बाद शायद आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप भी सोचेंगे कि ये कैसा इंसान है जिसके हाथों में सूबे की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे भक्षक बन करके एक महिला के साथ कितनी बदतमीजी भरी बातचीत कर रहा है। मैंने कब कहा सर, आप एक बार बताओ, मैंने कहा एक भी बार? आपने कहा नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी परसों को? अरे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। झालू में तो कोई दोस्ती नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम गाओ? मैं अपने घर हूँ। अगर दोस्त नहीं ला सकते मैं तो मैं देखूंगा, मैं ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अरे तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा, मम्मी सुन लो मेरी बात। फोन पे करो, 4 बजे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे। तो क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। अच्छा तो दोस्तों, सुना आपने कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक महिला जो कि खुद रेप पीड़िता है, जिसने जाकर के कंप्लेन किया कि मेरे साथ जो है रेप हुआ है और मैं आप तक आई हूं ताकि आप मुझे जो है वो मेरा मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर के आप कार्रवाई करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन वही दरोगा कितना जालिम है और कितना आवारा है, इसका अंदाजा आपने ऑडियो सुन करके लगा लिया। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला योगी जी के सरकार, योगी जी का जहां सरकार है, जहां रामराज की बात होती है, उसी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये मामला है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को एक मामला जो है बिजनौर के झालू पुलिस चौकी में पहुंचता है, जहां पर ये महिला जो है एक जाकर के आरोप दर्ज करवाती है। वो कहती है कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेरे ससुराल पट्टी के कुछ चंद लोगों के द्वारा मेरे साथ दुष्कर्म की गई है, मारपीट की गई है और तमाम तरह की कंप्लेन वो करती है। उसके बाद कंप्लेन करके घर चली जाती है। लेकिन इस बीच उसी थाना चौकी का एक इंसान है, धर्मेंद्र गौतम, जो कि झालू पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है। ये धर्मेंद्र गौतम जो है उस महिला को फोन करता है। फोन करने के बाद उससे इतनी गंदी गंदी बातें करता है जो आपने ऑडियो में सुना हो। वो साफ साफ ये डिमांड करता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। वो सीधे सीधे जो है देख सकते हैं, आपने ऑडियो सुना होगा कि किस तरह से वो डिमांड करता है। वो लड़की मना करती है, लड़की के मना करने पर आपने देखा कि किस तरह से वो ये भी कहता है कि तुम्हारी तो दोस्त होगी ना इधर, उससे ही मुलाकात करवा दो। ये बयान जो है उस पुलिस वाले का है, धर्मेंद्र गौतम का। उसके बाद उसकी सहेली से साहिश पूरी करवाने को कहता है, साथ में ये भी कहता है कि कोई दोस्त, मतलब पहले तो उससे कहता है कि साहिश पूरी करवा दो, फिर उसके बाद कहता है कोई दोस्त को लेते आना अगर तुम नहीं करते हो तो, फिर साथ में कहता है साथ ना आई तो तुमको देखूंगा। तो ये बयान जो है वो पुलिस वाले का, ये कहां हो रहा है? उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर बेटियों की रक्षा की बात की जाती है, जहां के बारे में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 12 बजे भी यहाँ बेटियां महफूज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जगह बेटियां वहां की पुलिस वाले से महफूज ना हो, वहां आम गुंडे मवालियों से क्या महफूज रहती है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपने ऑडियो सुना है कि किस तरह से ये धर्मेंद्र गौतम जो है तमाम धर्म की जो कह सकते हैं प्रकाशता है उसे छोड़ करके धर्म इसका नाम तो वैसे धर्मेंद्र है, लेकिन इसके अंदर का धर्म कहां मर गया है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधर्मी इंसान है, कितना अमानवीय इसका चरित्र है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये रक्षक के नाम पर भक्षक है,
जो कि एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जब वो अपने न्याय के लिए, न्याय का मांग करने के लिए उससे गुहार लगा रही है, तो ये उसके साथ संबंध बनाने की बात करता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के ये लड़की जो है, जो पीड़िता है, उसने वहां के बिजनौर के एसपी से गुहार लगाई। जनता दरबार जब लगवाया जाता है तब उसमें उसने तमाम बातें बताई, उसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दिया, उसी के हिसाब से उसी के तहत कार्रवाई करते हुए अब धर्मेंद्र गौतम को निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई है और अभी उसको लेकर के और जांच होनी है, और विभागीय जांच होने के बाद उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने की बात है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का जो है वो चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वाकई इनकी जो नियत है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग न जाने पहले कितनी लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी कर चुके होंगे, जिसने रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा या फिर डर से वो सामने नहीं आई। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम आपको पुलिस अधीक्षक का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कार्रवाई को लेकर बातचीत की। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्द्वार थाने पर अपने ससुरालजनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी। कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सभ्यता प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।